फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? एन एरिया इन स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, पहले तो इसकी इमेज बनाओ. इमेज बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक करना है परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहाँ पर बन गई हमारी इमेज. अब इस इमेज को कौन देख सकता है? देखो, इस इमेज को हर कोई नहीं देख सकता. मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है इस तरीके से, तो उसको ये इमेज दिखाई नहीं देगी. क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि इमेज देखने के लिए इमेज से आती हुई कुछ रे उसको देखनी तो चाहिए. यहाँ पर से सिर्फ देखो, अगर ऐसे रेज आ रही हैं तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी. कुछ रेज इस तरीके से हैं तो ये हमें यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी. तो अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर कहीं है तो उसको ये इमेज दिखाई देगी. अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर आ जाता है तो उसको इमेज नहीं दिखाई देगी. तो हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक एरिया हो सकता है जहाँ पर हमें इमेज दिख रही है, बाकी जगह से नहीं दिखेगी. तो वो एरिया कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स ऐसे रिफ्लेक्शन करा के देख लेते हैं. तो हम एकदम एक्सट्रीम पॉइंट वाली रेज को रिफ्लेक्ट कराते हैं. देखो ये, और यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे है. दूसरी रे हमारी यहाँ से आएगी इस तरीके से. अब हम देख सकते हैं कि बीच में और भी बहुत सारी रेज होंगी यहाँ पर. तो हमारे पास एक ये वाला एरिया आ जाता है. इस एरिया में अगर हमारे पास ऑब्जर्वर है तो हमको इमेज दिखाई देगी, है ना. तो यही हो जाता है इसका फील्ड ऑफ व्यू. लेकिन ये एरिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा. इधर देखो, ये जाती जाएंगी जाती जाएंगी रेज. तो हम फील्ड ऑफ व्यू को ऐसे नहीं डिफाइन करते, एरिया की टर्म्स में, मीटर स्क्वायर में नहीं डिफाइन करते. हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसका कुछ एंगल होगा. इस एंगल को बोला जाएगा फील्ड ऑफ व्यू का एंगल. जैसे उसकी वैल्यू हो सकती है 80 डिग्री, 50 डिग्री. हमारे मोबाइल में जो कैमराज होते हैं, तो कैमरा भी ऐसे पूरा नहीं शूट कर लेता है 180 डिग्री, 360 डिग्री. उसका ये फील्ड ऑफ व्यू होता है कि वो कितना 127 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है उसका. हमारी आंखों का भी कुछ फील्ड ऑफ व्यू होता है, अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री होता है. उतना ही में दिखता है, ऐसे पीछे का नहीं दिखता है. तो फील्ड ऑफ व्यू को एंगल में बोला जाता है. अच्छा, इस केस में देखो, इस केस में फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हमारे पास मिरर, पहले तो इसकी इमेज बनाओ. इमेज बनाने के लिए पहले हमें मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से. फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ पर बन जाती है हमारी इमेज आई. ये थी हमारी ऑब्जेक्ट. अब इसका अगर हम रे डायग्राम बनाया तो हमारे पास कुछ रेज होंगी जो एकदम एक्सट्रीम वाली रेज को हम कंसिडर करते हैं, जो मिरर के एकदम एज होती है ना, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट. इस तरीके से हमारी रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके. दूसरी रे हमारी जाएगी यहाँ. आई फाउंड दिस ऑन द वेब फॉर एंगल ऑफ इट. चुप हो जाओ सिरी. यहाँ से हमारी दूसरी रे ऐसे जाएगी. टेढ़ी हो गई रे थोड़ी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. और हमें यहाँ से आती हुई ये रे दिखने वाली है. ये भी टेढ़ी बन गई, टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेढ़ा बन जाता है कभी कभी. तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू ये वाला पार्ट है. अगर हम इतने एरिया में हैं, ये यहाँ इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे, इतने में तो हमें इमेज दिखाई देगी, बाकी हमें इमेज दिखाई नहीं देगी. तो अगर ये मान लो कोई इंसान होता तो इसको खुद की इमेज नहीं दिख रही होती. इसकी इमेज बन जरूर रही होती, यहाँ कोई खड़ा होता उसको इमेज दिखती, इसको नहीं दिखती. और इस बार फील्ड ऑफ व्यू हमारा ये वाला एंगल हो जाता है फील्ड ऑफ व्यू. तो उसको भी हम लिख देते हैं, दिस इज आवर एंगल फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज आवर एंगल फील्ड ऑफ व्यू. इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. हमें इस क्वेश्चन में मिरर है, एक मिरर के एकदम मिड पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और हमें बताया गया है कि हमें ये डिस्टेंस पता करना है सच दैट द फील्ड ऑफ व्यू इज 90 डिग्री. फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? पहले तो फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करो. तो यहाँ पर हम इसकी इमेज बनाते हैं. यहाँ से कुछ रेज इस तरीके से निकली होंगी, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स तक लेके जाना. ये नॉर्मल है और ये इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पर बनी होगी ऐसे आई, और ये रे ऐसे गई होगी. हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के एकदम सेंटर में थी इस तरीके से, तो हमें पता चलता है कि ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा. अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल होना चाहिए 45 डिग्री. 45 डिग्री होगा. अच्छा, ये वाला डिस्टेंस डी है तो ये वाला डिस्टेंस भी डी होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल 45 डिग्री हो गए. ये टोटल लेंथ थी 1 मीटर, तो ये हाफ लेंथ हो जाती है 0.5 मीटर, और उसके हिसाब से हमारे डी की वैल्यू भी जाती है 0.5 मीटर. तो हमारे आंसर आ जाता है डी इज इक्वल टू 0.5 मीटर. अच्छा, इस डी को अगर मैं बढ़ा दूँ, मान लो डी को बढ़ा दिया मैंने 3 मीटर कर दिया, यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रख दी, तो उस केस में हमारा देखो फील्ड ऑफ व्यू का एंगल
कम हो जाएगा, ये जहाँ पे भी जाकर के रेज इंटरसेक्ट करेंगे उस वक्त फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री की जगह हो सकता है 20 डिग्री या जो भी उसकी कैलकुलेशन होकर आता है, उस तरीके से फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू में कैसे बन सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है और एक ये दीवार है, इस दीवार में एक बल्ब जल रहा है जैसे आपने भी कहीं देखा होगा, तो अब बल्ब से रोशनी इस तरफ चारों तरफ निकलेगी और वो जहाँ पे भी जाएगी वहाँ पे थोड़ा ब्राइट स्पॉट बन जाता है, लेकिन इस बल्ब से निकली हुई कुछ रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस दीवार पे आ जाती हैं इस तरीके से, है ना। तो हमें दिखता है कि दीवार पे भी एक इस तरीके से ब्राइट पैच बन जाता है। हमें पता करना है उस पैच की जो लेंथ है वो कितनी होगी अगर हमारे मिरर की लेंथ है एल, और इस बार हमारा बल्ब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके एकदम मिड पॉइंट पर रखा था, ऐसे मिड पॉइंट पर नहीं है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अगेन हम सबसे पहले तो मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रेज को इंसिडेंट कराएंगे। पहले तो इसकी इमेज बना दो, बल्ब की इमेज मान लो यहाँ कहीं बन रही है ये पॉइंट, दिस इज इमेज। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इंसिडेंट कराते हैं रेज को और हमें देखो फिर कुछ इस तरीके से रेज आती हुई दिखेगी, दूसरी रे यहां से निकलेगी और इस तरीके से हमारे पास रेज आने वाले। पॉइंट्स के सबके कुछ नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये वाला, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, और ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एंगल और इस वाले का दोनों में एंगल सेम है, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो बाकी सारे एंगल भी अपने आप सेम हो जाते हैं। तो अगर ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। तो क्योंकि हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है हम लिख देते हैं ए सी अपॉन बी आई इज इक्वल टू डी ई अपॉन, इस पॉइंट का भी नाम रखो कुछ एक्स रख दूँ एक्स आई। अब ये वाला डिस्टेंस जितना भी था मान लो उसकी वैल्यू थी डी, तो ये वाला डिस्टेंस भी हो जाता है डी क्योंकि इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में, डिस्टेंस मिरर से इमेज और ऑब्जेक्ट का बराबर होता है। तो हमारे पास बी आई की वैल्यू हो जाती है 2D, ये वाली वैल्यू हो जाती है 2D और एक्स आई की वैल्यू हो जाती है डी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर देंगे, ये हो जाता है हमारे पास ए सी अपॉन 2D इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो जाता है और ए सी की वैल्यू हो जाती है 2 times DE यानी कि 2 times L। इसका मतलब हमारे मिरर की जितनी भी लेंथ थी उसकी डबल लेंथ की हमारे पास यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आने वाला है। और एक बात, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना भी हो जिसकी वैल्यू हमने डी बोली थी, देखो डी कैंसिल आउट हो गया, तो ये लेंथ 2L जो हमारा आंसर आया वो इंडिपेंडेंट है कि मिरर दीवार से कितनी दूरी पे था। अगर ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता तो भी हमारे पास इतनी ही लंबाई का एक पैच बनता, अगर ये एकदम बल्ब के पास भी आप चिपका दोगे तो भी आपको इतना ही बड़ा वो पैच मिलने वाला है। तो इसको आप घर में ट्राई भी करके देख सकते हो। अच्छा, इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो बहुत ही आसान है। हमें ऐसा बोल दिया जाए, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है वो एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मिरर में उसकी इमेज जो बनेगी वो भी एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, लेकिन क्या ये ऑब्जर्वर अपनी ही इमेज को देख पाएगा? देखो जिस वक्त वो यहाँ पर है तो उसको उसकी इमेज नहीं दिखाई देगी, फिर वो चलते चलते यहाँ पर आ जाएगा तो उसको उसकी इमेज दिखाई देना शुरू हो जाएगी, यहाँ से रेज आकर के इस पर आएंगी, फिर यहाँ पर होगा तब भी उसको उसकी इमेज दिखाई देगी, यहाँ पर होगा तब भी उसकी रे यहाँ से जाएगी टकरा के वापस आएगी, उसको लगेगा उसकी इमेज यहाँ पर है देख पाएगा, फिर जब वो यहाँ आ जाएगा तो अब इसकी रेज इसके पास टकरा के वापस नहीं आएगी, यहाँ से रेज टकरा के वापस उस तक नहीं पहुँच रही, तो उसको सिर्फ इतने से पार्ट में ही दिखाई देगा अपनी इमेज। अब हम बता सकते हैं अगर इस मिरर की लेंथ एल थी तो ये वाला डिस्टेंस भी एल हो जाता है, अगर इसकी वेलोसिटी दे रखी थी 2 meters per second तो कितनी देर तक उसको उसकी इमेज दिखाई देगी, ये पता करना बहुत ही आसान हो जाता है। टी की वैल्यू हो जाती है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एल अपॉन स्पीड 2, जो यहाँ पर आंसर रहता है L/2। इस तरीके से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है उन्हें सॉल्व करना, फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम फिजिक्स पर, जहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस होती है एब्सोल्युटली फ्री, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो bit.ly/bombphysics पे। फिजिक्स में हम फोड़ देंगे। कहाँ पर होती है क्लासेस? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हर महीने नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो इंडिया की टॉप फैकल्टी से।
तो आज ही अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, उसके लिए आपको मेरा कोड विक्रांत यूज़ करना, उससे आपको मिलता है डिस्काउंट और आप अपना फ्री प्लान भी अनलॉक कर सकते हो। पहले तो अपनी अभी के अभी अपनी अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, अपना फ्री प्लान अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके, और मिलते हैं लाइव। यार आ जाओ bit.ly/bombphysics पे।